उसके बाद आपको वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल चालू करना था। अच्छा, अनसर्टेनिटी शुरू करना था। हाँ ठीक है, किया नहीं था। हाँ ओके, तो मतलब मैंने वो हो गया लाइन एमिशन। हाँ सर, वो हो गया स्पेक्ट्रम वाला, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम हो गया है ना। ठीक है। हाँ सर, तो बता क्या 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 समझा तू और कौन सी चीज़ तेरे को थोड़ी सही लगी। मतलब ऐसा कैमरा ऑन कर ले अगर कर सकता है तो। म्यूट है तेरा। हेलो, हाँ आदित्य। यस सर। तो क्या क्या कौन से टॉपिक, मतलब बता मेरे को लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम क्या चीज़ होती है और कब देखते हैं उसको। सर, जब किसी भी अपन लाइट सोर्स से, जब प्रिज्म में से लाइट को पास करते हैं तो वो डिस्पर्स हो जाती है सर डिफरेंट वेवलेंथ के हिसाब से, तो उसको अपन बोलते हैं लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। वो हमेशा लाइन एमिशन ही होता है या कोई सी भी लाइट अपन अपन भेजेंगे तो हमेशा वो लाइन एमिशन ही बनाएगा या नहीं लाइन सर, वो होता है एमिशन स्पेक्ट्रम, और लाइन एमिशन होता है सर जब जो इलेक्ट्रॉन से निकलता है, जब अपन किसी मेटल पे सर लाइट, किसी भी मेटल पे सर लाइट करते हैं, फिर हीट करते हैं उसको, तो उससे सर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइट होते हैं, तो वो हायर ऑर्बिट पे जाते हैं, और जब हायर ऑर्बिट पे जाते हैं तो वो अनस्टेबल हो जाते हैं, और फिर स्टेबिलिटी के लिए वापस वो अपनी स्टेट पे आते हैं, लोअर लेवल पे। तो सर वहां पे वो जो एनर्जी को रिलीज करते हैं, तो जो एनर्जी रहती है वो लाइट एनर्जी मतलब लाइट कर रहती है, तो लाइट को जो अपन पास करते हैं प्रिज्म से, तो सर वो है ना डिस्पर्स हो जाती है, तो उसको जब अपन ब्लैक ब्लैक स्क्रीन पे लेते हैं तो सर वो व्हाइट स्पॉट्स नहीं देती है, उसको बोलते हैं लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है। ये जो स्पेक्ट्रम होता है ये दो टाइप के होते हैं, कंटिन्यूअस और एक डिसकंटिन्यूअस। क्या अंतर होता है दोनों में। सर कंटिन्यूअस में ऐसा होता है कि सर जो वेवलेंथ होती है मतलब लाइट, वो सर एक दूसरे से मर्ज होती हुई दिखती है, और जो डिसकंटिन्यूअस होता है उसमें सर अलग ही सेपरेट दिखती है अपन को। जैसे जो लाइन एमिशन होता है सर वो डिसकंटिन्यूअस होता है, और जो सर कंटिन्यूअस होता है वो होता है सर जो, हाँ सर रेनबो टाइप। रेनबो टाइप, हाँ जो अपन ने 10th में पढ़ा था सर। हाँ ठीक है ओके। और क्या बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। सर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है सर जब, मिनट सर, हाँ एटम से अपन लाइट पास करते हैं एटम से, तो कुछ लाइट तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो कुछ रहती है जो बच के निकलती है वहां से एटम में से सर, उसको जब अपन प्रिज्म से पास करते हैं तो सर वो भी डिस्पर्स हो जाती है, वो भी डिस्पर्स होती है, और उसको जब अपन व्हाइट स्क्रीन पर लेते हैं, ब्लैक पे नहीं व्हाइट पे लेते हैं, तो सर वो डार्क स्पॉट्स बनाती है वहां पे, और वो डार्क स्पॉट्स जो लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम होते हैं उसी की तरह होते हैं। ठीक है ओके। अच्छा ये जो एमिशन स्पेक्ट्रम या ये चीज़ आती है क्या बोलते हैं, ये हर एलिमेंट की क्या यूनिक होती है और ऐसी क्या खास बात होती है इसमें। मतलब ये अपन क्या होता है मतलब हाँ ये। सर, हाँ हाँ सर, ये हर एलिमेंट की सर अलग अलग होती है, इसी से अपन पहचान पाते हैं कि ये कोई नया एलिमेंट है या फिर कोई पुराना ही है, डिस्कवरीज में काम आती है ये। हाँ स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं इसको है ना। सर, अच्छा स्पेक्ट्रल लाइंस क्या चीज़ होती है। स्पेक्ट्रल लाइंस, हाँ स्पेक्ट्रल लाइंस सर, जो जैसे फर्स्ट लाइन होती है स्पेक्ट्रल लाइन, जो फर्स्ट मतलब फर्स्ट ऑर्बिट पे सेकंड ऑर्बिट से आती है, ठीक जैसे लाइमन सीरीज पे फर्स्ट आती है जो। है। हाँ एक मिनट होल्ड रखना। ठीक है ऋषि, यस सर, ऋषि मैं तेरे को 15 मिनट बाद अपन करें, 15 मिनट वेट कर ले। ठीक यस सर, है 15 मिनट में मैं तेरे को कॉल करता हूँ। ओके हाँ हाँ बता कंटिन्यू। हाँ यस सर, जो फर्स्ट लाइन होती है सर, लाइन सर क्या पूछा था एक बार फिर से बोलो। स्पेक्ट्रल लाइन जो तू बता रहा स्पेक्ट्रल लाइन, है। हाँ हाँ स्पेक्ट्रल लाइन होती है ना सर, जो फर्स्ट लाइन होती है सर लाइमन सीरीज पे, सेकंड
सेकंड जो ऑर्बिट रहेगी उससे जो इलेक्ट्रॉन आएगा लाइमन सीरीज पे, तो जो वो वेव जो लाइट इमिट करता है सर वेवलेंथ, उसको फर्स्ट बोलते हैं, फर्स्ट लाइन में स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये तो मैं समझ गया, लेकिन वो जो स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब होता है कि इतनी स्पेक्ट्रल लाइन आएंगी, मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन आती है सर, मैक्सिमम। हाँ, तो होता है n n-1/2। हाँ, वो तो कितनी लाइन आएंगी सबसे ज्यादा, फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो वो होता क्या है, मतलब वो कैसे अपन n into n minus 1 by 2 कैसे आया सर? वो आया सर जैसे कि मतलब फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में कोई आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो सबसे ज्यादा लाइट कहाँ पे एमिट करेगा, मतलब सबसे ज्यादा वेवलेंथ कौन सी कितनी एमिट करेगा, तो उसको अपन बोलते हैं सर लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। सबसे ज्यादा या कितने नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का क्या मतलब है? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, हाँ सर वो मैं देख मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। हाँ देख, मैं तेरे को याद दिलाता हूँ, तू बताना, तूने पढ़ा होगा, तेरे को याद नहीं आ रहा होगा कि अपन कितने ज्यादा तरीके से जंप डाउन कर सकते हैं, हाउ मेनी वेज अपन कितने तरीके से कर सकते हैं। हाँ, जो है ना, जैसे मान ले सीढ़ी उतरना होता है, मैंने तो सीढ़ी उतरने के एग्जांपल से बताया था, अगर तूने पढ़ा होगा कि अगर सीढ़ी उतर रहे हैं तो हो सकता है कि एक एक करके सीढ़ी उतरें, हो सकता है एक एक छोड़ के सीढ़ी उतरें, या हो सकता है डायरेक्ट कूद जाएं उठा करके, समझ में आ रहा है? तो हर बार जो भी जंप होगा, हर जंप अपने आप में अलग अलग है। एन से एन माइनस वन पे जो जंप होगा, एन माइनस वन से एन माइनस टू पे अलग जंप होगा, तो उसकी जो एनर्जी रिलीज होगी, जो फ्रीक्वेंसी होगी, वो डिफरेंट होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर आ रहा है पक्का सर, वो आ तो रहा है लेकिन समझा नहीं पा रहा था। हाँ है ना, तो इसलिए एक अगर मान लो nth ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट पर अगर कोई आ रहा है, तो उसमें मैक्सिमम अपन को कौन सा ऐसा रास्ता होगा जिसमें नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ज्यादा से ज्यादा मिलेंगी? तो सीधी सी बात है, वो होगा जिसमें एक एक करके उतरेगा वो। अगर उसने मान लो एक स्किप कर दिया, तो मतलब अपन को फिर एक छूट गई ना, अपन को ज्यादा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस नहीं मिल पाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसको मैंने ऐसे समझाया था, अगर तेरे, अच्छा तुझे मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, है ना? जस्ट अ मिनट, तेरे को प्रेजेंट कर देता हूँ। देख, स्पेक्ट्रल लाइन जैसे मान ले मेरे को फोर है, ठीक है, एन इक्वल टू फोर है, ठीक, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? हाँ सर दिख रही है। हाँ, तो अब जैसे मान ले यहाँ पे हर जंप जो है वो अलग अलग जंप है, यानी कि अगर फोर से थ्री जा रहा है तो अलग जंप है, थ्री से टू जा रहा है अलग जंप है, टू से वन जा रहा है अलग जंप है। तो यहाँ पे ये जो फोर से वन जाना हुआ इस रास्ते, मतलब जिसमें उसने एक एक करके जंप किया था, तो ये कितनी स्पेक्ट्रल लाइन थी? वन टू थ्री स्पेक्ट्रल लाइन, समझ में आया? अब अगर मैंने इसका, और कौन कौन से तरीके हो सकते थे? एक तरीका ऐसा हो सकता था कि पहले फोर से थ्री जाए और थ्री से डायरेक्ट वन कूद जाए, समझ में आया? एक 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 रास्ता ये है, दूसरा रास्ता ये है, ठीक है। एक रास्ता ऐसा हो सकता है कि फोर से थ्री जाए और थ्री से, अच्छा ये तो काउंट हो चुके, कर देख चुके हैं। एक हो सकता है कि फोर से टू जाए और टू से वन जाए, करेक्ट? यस सर। तो ये एक रास्ता हो सकता है। एक रास्ता हो सकता है कि फोर से सीधा वन कूद जाए, समझ रहे? हाँ सर। तो जो पहला रास्ता है, पहला रास्ता, उसमें अपन को तीन स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही थी, वन टू एंड थ्री, करेक्ट? लेकिन अगर जो दूसरा रास्ता देखें, तो दूसरे रास्ते में मेरे को कितनी स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही है? एक और दो, समझ में आ रहा है? यस सर। और तीसरे में अपन को कितनी स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही है? एक दो, समझ में आ रहा है? और जो चौथा रास्ता है, उसमें अपन को कितनी स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही है? केवल एक, समझ में आ रहा है? तो अपन को कौन से रास्ते में सबसे ज्यादा स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही है? पहले रास्ते में। तो ये मैक्सिमम कितनी है? मैक्सिमम कितनी हो सकती है स्पेक्ट्रल लाइन? तीन हो सकती है, करेक्ट? एक दो तीन, करेक्ट? हाँ सर। समझ में आया? अच्छा, तो इसी वजह से अपन ने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था n इंटू एन माइनस वन बाय टू। ये अपन ने हालांकि सैंपल के लिए लिखा था, लेकिन आइसोलेटेड के लिए क्या होता है? n माइनस वन होता है, राइट? तो यहाँ पे n कितना है? फोर, करेक्ट? तो फोर माइनस वन कितना हो गया? थ्री। तो इस वजह से अपना आंसर यहाँ पे कितने आए? तीन स्पेक्ट्रल लाइन है, समझ में आया? हाँ सर। है ना, तो ये तेरे को इस तरीके से समझना चाहिए, मेरे ख्याल से अब शायद तेरे को क्लियर रहेगा, ठीक है? ओके, अच्छा, लाइमन में ग्राउंड स्टेट कितनी होती है सर? लाइमन में
ग्राउंड स्टेट्स मतलब सर ग्राउंड फर्स्ट मतलब कहाँ पे कूदता है लाइमन, अगर मैंने बोला तो N1 सर कितना फर्स्ट होगा? अच्छा, और ऐसी कौन सी सीरीज है जिसमें मुझे विजिबल स्पेक्ट्रम में लाइट आ जाएगी? सेकंड सेकेंड, बाल्मर फर्स्ट बाल्मर में, ठीक है, ओके। और ठीक फोर होती है सर उसमें है, और बाकी उसके ऊपर वाली इंफ्रारेड, इंफ्रारेड ठीक है, ओके। और क्या है, और इसमें क्या क्या था? ये जो वो है, क्या बोलते हैं, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, समझ में आया था तुझे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव जिसमें, हाँ सर कुछ हाँ, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वेव नेचर का होता है, फिर अपन बोलते हैं कि वो क्यों अपन ने उसको इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच हाँ सर अपॉन टू वो पाई। हाँ हाँ सर वो इंटीग्रल होता है उससे अपन ने मतलब बोहर का जो कुछ फॉर्मूला प्रूफ किया था सर सर एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू टू पाई एनएच अपॉन अपॉन टू एच पाई, हाँ एनएच अपॉन टू पाई, एन एच अपॉन टू पाई हाँ ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि उसमें जो वेव्स बनती हैं वो पूरे तरीके से उसमें आकर के वापस जुड़ जाती हैं, मतलब शुरू से, जहाँ से खत्म शुरू होता है वहीं से खत्म हो जाता है, मतलब एक हाँ सर्कल सर कंप्लीट होता है। डिस्ट्रक्टिव में ऐसा नहीं होता, डिस्ट्रक्टिव में टूट जाता है वो, ब्रेक हो जाता है ना? ठीक है, तो ये है क्वेश्चंस बन रहे हैं तुझे? हाँ सर जो आप करा रहे थे ना सर वो तो पूरे बन रहे हैं ठीक है, फॉर्मूले वगैरह याद हैं? हाँ याद है ना सर डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस क्या है? डी ब्रॉगली का फॉर्मूला क्या है? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस सर लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन हाँ लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन मास इनटू वेलोसिटी एमवी एमवी, ठीक है। और क्या ये जो डी ब्रॉगली ने बोला था, ये अपने मैक्रोस्कोपिक या अपने लिविंग वर्ल्ड में ये चीजें ऑब्जर्व करने को क्यों नहीं मिलती? या अपन जैसे, सर क्योंकि अपन लोग जो हैं, अपन लोगों में वेव क्यों नहीं दिखता? सर अपन लोगों में वेव इसलिए नहीं दिखती सर क्योंकि जो वेव अपन जो फॉर्मूले में पुट करते हैं अपना मास और जो वेलोसिटी अपनी वेलोसिटी बहुत कम है सर इसकी वजह से जो वेवलेंथ आती है बहुत बहुत ज्यादा छोटी आती है सर 10^-24 मीटर कुछ ऐसा आता है 34 ठीक है, तो इस वजह से वो ऑब्जर्व नहीं होती है। ठीक हाँ सर है, ठीक है आदित्य। और कोशिश करो कि खत्म करो, अब एक लेक्चर और मैं डाल दूंगा कल परसों में, लास्ट है और सर हाँ वो लास्ट लेक्चर होगा, तो सर पांच, मैं कंप्लीट कर लूंगा सर पूरा मैं हाँ ठीक है, और 12th लेक्चर के बाद से थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ध्यान से देखना और कोई भी डाउट आए तो पूछना। ठीक हाँ सर है, कुछ डाउट है मेरे हाँ पूछो। सर ब्लैक सीट क्यों रखी थी सर जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम था उसमें ब्लैक सीट ही क्यों रखी थी ब्लैक शीट, ताकि जो बीच में जो गैप्स आए ना उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाए अपन। वाइट आ जाता है उसमें, ब्राइट स्पॉट्स आ जाते हैं, तो ब्राइट अगर अपन को ऑब्जर्व करना है इसलिए अपन को स्क्रीन ब्लैक रखनी पड़ेगी, राइट, डार्क रखनी पड़ेगी। और एब्जॉर्प्शन के केस में ऐसा होता है कि जो शीट है वो वाइट इसलिए या ब्राइट इसलिए रखते हैं ताकि डार्क स्पॉट्स अपन ऑब्जर्व कर पाए, समझ में? तो अपन को कॉन्ट्रास्ट चाहिए रहता है ना, जैसे है हाँ सर ना, कॉन्ट्रास्ट तभी आएगा जब अपन मतलब थोड़ी अलग अलग चीजें अपन आइडेंटिफाई कर पाए उसमें। और सर वो सर जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है सर उसका जो एक ग्राफ बनवाया था आपने वो समझ नहीं आया सर उसमें ऐसा होता है कि जो टेम्परेचर, जैसे तूने हीटर देखा है घरों में, जो हीटर होता है, तो हाँ सर वो धीरे 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 जैसे अपन बिजली चालू करते हैं तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो रेडिश होता जाता है, रेडिश से ऑरेंजिश होता रहता है, ऐसा उसकी तूने देखा होगा वो, या कभी हाँ कभी सर येल्लो दिखता है अपन को। ठीक है, तो वो बेसिकली वहां पे क्या होता है, तूने बल्ब में भी ये चीज ऑब्जर्व करी होगी कि हाँ सर धीरे 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 वो बोल रहे ब्राइट होता है, तो वो बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि टेम्परेचर जैसे जैसे अपन
उसमें चेंज होता है, और जैसे जैसे अपन, वो किसका ग्राफ था, किसके वर्सेस किसका ग्राफ था, वो सर वो इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ। इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का है ना। तो जैसे जैसे अपन उसमें मतलब अपन जो वेवलेंथ है उसकी जो अपन देखते जाएंगे, तो वो एक हाई एक वेवलेंथ इंक्रीज करता है एक टेम्परेचर पर। अगर अपन फिक्स टेम्परेचर करें तो वो टेम्परेचर पर धीरे धीरे जैसे अपन कम करेंगे, अपन इंक्रीज करते जाएंगे, तो अपनी जो वेवलेंथ मिलेगी वो अपन को अलग मिलती जाएगी। उसका ग्राफ ऐसे ही होता है, ग्राफ ऐसे ही होता है, लेकिन जो उसका जो पीक है वो शिफ्ट होता है अगर अपन टेम्परेचर चेंज करेंगे। ठीक है, ग्राफ इंटेंसिटी का ग्राफ आएगा वो ऐसे ही आएगा, लेकिन जो उसका पीक आएगा तो उसका पीक देखना वो शिफ्ट हुआ है लेफ्ट हैंड साइड, हाँ सर है ना। लेफ्ट हैंड साइड पीक होता है जैसे अपन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, यानी कि वेवलेंथ कम हुई है, वेवलेंथ जो मैक्सिमम वेवलेंथ रीच होती है वो कम होती है। तो तू ऐसे ऑब्जर्व उसको ऐसे रिलेट कर सकता है, वैसे तो उसका कोई लेना देना नहीं है, तेरे को केवल ध्यान रखना है वो चीज़, लेकिन तू उसको रिलेट कर सकता है इस चीज़ से कि जैसे जैसे अपन मतलब करंट बढ़ता है, करंट बढ़ता है हीटर में या तो या बल्ब में, तो सीधी सी बात है कि उसकी जो वेवलेंथ है वो चेंज होने लगती है। जैसे ब्राइटनेस, जैसे बल्ब की ब्राइटनेस है, अपन को पता है जैसे वोल्टेज ज़्यादा हो गया कम हो गया तो अपन को पता है कि वो बहुत ज़्यादा ब्राइट और बहुत ज़्यादा डिम होने लगती है ना। तो इसी तरीके से उसको तू रिलेट कर सकता है कि उसकी वेवलेंथ जो है शिफ्ट होती है जैसे जैसे अगर टेम्परेचर चेंज किया अपन ने तो। और समझ में आ रहा है, और टेम्परेचर वहाँ पे चेंज का रीज़न ये हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है, इधर वी आर गिविंग इट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, अपन एनर्जी दे रहे हैं उसको, तो उससे उसका हीट हुई, हीट से वो टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, और इफ़ वी आर गिविंग इट इलेक्ट्रिसिटी करंट, तो करंट भी, करंट के भी हीट हीटिंग इफेक्ट्स होते हैं, तो उस वजह से भी टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, और इस वजह से वो जलता है, और जलते की जो फ्रीक्वेंसी विजिबल रेंज की जो वेवलेंथ है वो वेरी कर सकती है। तो समटाइम्स इट इट कैन बी व्यूड एज रेड कलर और येलो कलर और ऑरेंज कलर, कुछ भी हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल उसका ग्राफ याद रख ले और किसके वर्सेस किसके, बस दैट्स इट। और टेम्परेचर इंक्रीज के साथ वेवलेंथ लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होती है मैक्सिमम वेवलेंथ, बस इतना ध्यान रख ले, बाकी इससे ज़्यादा और कुछ ज़रूरत नहीं है। ब्लैक बॉडी क्या होती है वो समझ में आ गया, ब्लैक बॉडी जिसमें अपन कितनी भी एनर्जी देते जाओ यस वो आइडियल आइडियल बॉडी है वो। ठीक है, सर हाँ और क्या, बस इतना। इतना ही है। ठीक है, तो करते जा अभी तो ये ठीक है, और 12th लेक्चर से इम्पोर्टेंट चीज़ें स्टार्ट हैं। ठीक है, तो ठीक है वो ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह जो अभी रिसेंट लेक्चर्स डाले हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अच्छे से करना, ठीक और कोशिश कर कि जल्दी से जल्दी आ जाए यहाँ पे, तो मज़ा आएगा। ठीक है ना, अभी पढ़ाई हो रही है, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं आ रही घर में? नहीं कुछ नहीं है ठीक ठीक है, आदित्य मिलते हैं अपन फिर, है ना। ठीक बाय बाय। बस।